नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मैं एक ऑप्शन बायर हूँ जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ निफ्टी 50 और मिड कैप निफ्टी में इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करता है। मैं ऑप्शन बाइंग मैक्सिमम करता हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी कैपिटल नहीं है अभी कि मैं ऑप्शन सेलिंग कर सकूँ, या फिर छोटे मोटे अमाउंट अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लिया है और ऐसे ही अपना दिन स्टॉक मार्केट में चला रहा हूँ। रही बात, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के कंडीशन में आए, क्योंकि हर किसी के पास इतनी बड़ी कैपिटल नहीं होती कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर ले। इसीलिए एक तो हमारे समाज में एक परसेप्शन है कि स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े लोग ही केवल जा सकते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा कोई नहीं है। मेरे पास भी इतने पैसे नहीं थे कि मैं एकदम से लाखों करोड़ों रुपए लगा दूं। मैंने अभी तक स्टॉक मार्केट में जो पैसे इधर उधर से बनाए वो 1-1.5 लाख रुपए ही लगाया, और ये पैसे मैं कोई अपनी हार्ड मनी से नहीं लाया, मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से लाया। जैसे कि जब मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला तो मैं पहले आया तो क्या किया, पहले मैंने डीमैट अकाउंट ओपन किया एंजल वन का। एंजल वन के ऐप से मैंने जो स्टार्टिंग में 4-5 हज़ार रुपये छोटे छोटे मिड कैप इंडेक्स जैसे एस बैंक इन सब में, एस बैंक, एयरटेल, वोडाफोन इन सब में पैसे लगाए। उसके बाद क्या किया, मैं रेफरल से ही पैसे दूसरे का अकाउंट खोलता था। इससे मैंने 36,000 रुपीज़ बनाए 3-4 महीने में। इन 3-4 महीने में मैं जब 36,000 रुपये बनाए तो उस पैसे को मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया स्टॉक मार्केट में। इससे क्या हुआ कि मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुए, करीब 36,000 लगाया तो मुझे करीब 3-4 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट हुआ। फिर मेरा कैपिटल 40,000 का हो गया। 40,000 से मैंने 10,000 रुपये निकाल के ऑप्शन ट्रेडिंग में लगाया। अब मैं आज इस बात पे बात करूँ, मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। आप मेरे प्रोफाइल पे जाके सारे वीडियोस को देख सकते हो, मैंने जो भी बनाया है। मैं इतना अच्छा वीडियो नहीं बनाता, लेकिन जैसा भी बनाया है मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है आप लोगों के साथ में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे इस तरह से पैसे कमा सकते हो। तो आपको क्या करना है कि पहले एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है, और मैंने ये भी बात की है कि आप अगर डीमैट अकाउंट नहीं है आप कैसे आप कैपिटल गेन कर सकते हो। पहले छोटा मोटा कैपिटल होगा तभी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, चाहे 10-15 हज़ार भी है। मान लिया बहुत छोटा आदमी है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता है, तो आपको 10-15 हज़ार कहाँ से मिलेंगे, इस चीज़ के बारे में बात करूँगा कि आप जैसे ही कोई भी डीमैट अकाउंट ओपन करोगे तो डीमैट अकाउंट ओपन हो जाने के बाद क्या होता है कि आप उसमें जब कुछ पैसे किसी और को अकाउंट अपना दोगे तो उससे आपको क्या होता है कि कुछ पैसे मिलते हैं, 500, 700, 800 जो जो भी ऑफर होगा वो मिलेगा। उससे क्या होता है कि आपको अर्निंग होती है। आपको एक महीने में 10 लोगों को ये ऐप भेजना होता है, तो 10 लोगों को अगर आप ये ऐप भेजोगे तो सॉरी 10 लोगों का अगर अकाउंट आप ओपन करते हो डीमैट अकाउंट, तो 700 रुपये है या 750 रुपये है, तो 7,500 रुपये आपका एक महीने में हो गया। अगर एक महीने में आप ये 7,500 रुपये आप कुछ भी ना करो, अपना काम साथ साथ करते रहो, ये 7-10 अकाउंट 2-2 मिनट 3-3 मिनट का काम है। दो अकाउंट ओपन करने के बाद आप इन ये पैसे अपने नजरिया बना के रखो, इंडेक्स में अपना ध्यान दो कि कैसे चलता है और स्टॉक मार्केट का, आप वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करो। 7,000 ये समझ लो कि जैसे आपने रास्ता चलते हुए डीमैट अकाउंट ओपन किए तो उसी से आपने ये पैसे कमाए, तो इतना आपका ये हार्ड मनी नहीं था। आप इस पैसे को वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, इन्वेस्ट करोगे तो कुछ ना कुछ रिटर्न देगा, क्योंकि हमारा देश अभी प्रोग्रेस कर रहा है धीरे धीरे, और ये आगे चल के और ऊपर तो जाएगी। आपने इसकी हिस्ट्री तो देखी होगी कि हमारे देश में कितनी सारी पोटेंशियल है स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने के। आप अगर इसको 7,000 को लॉन्ग टर्म में लगा दिया अगर अच्छे सोच समझ के पैसे, तो ये 7 का 7-8 हज़ार रुपये आपके 18-19 हज़ार हो सकते हैं।
इतना पोटेंशियल है यहाँ पे, और आपका हार्ड मनी भी नहीं होगा, आप उसको 7,000 को अपना फिर से निकाल भी। ये पैसे आप स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका नेक्स्ट मंथ चालू हो जाएगा, फिर नेक्स्ट मंथ में भी आपको इतने ही चांसेस मिलेंगे, आप फिर से 7,000-5,000 रुपये उससे अर्न करोगे, वो भी पैसे। आप ये समझ लीजिए ये काम आपका केवल 2 दिन का काम है, बाकी 28 दिन आप अपना काम कीजिए और इन्वेस्टमेंट करके मार्केट से शांति से बाहर हो जाइए। कोई ज़रूरत नहीं कोई भी ट्रेडिंग करने की, केवल आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो ये समझ लीजिए कि अगर आप इतने से हो ना तो धीरे धीरे आपका ग्रो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या ना, आप स्टार्ट तो करो, बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ करना होगा। मैं ये चीज़ भाई बड़े बड़े लोगों के लिए नहीं, छोटे छोटे लोग जो गांव में रहते हैं और कुछ करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। बहुत सारी बैंक्स भी रेफरल्स का यूज़ करती हैं, रेफरल के माध्यम से दूसरे के अकाउंट, आपको थोड़ा प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, उनके माध्यम से क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि कैसे क्रेडिट कार्ड से आप पैसे बना सकते हो, ये सारे पैसे आप फिर स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करके आप पैसे बना सकते हो। लेकिन आपको इसमें थोड़ा बहुत रिस्क है, लेकिन आपको अपना दिमाग लगाना है, आपका धीरे धीरे कैपिटल ग्रो होगा स्लोली स्लोली। अगर ये काम आपको केवल ईमानदारी से 10 दिन 15 दिन 5 दिन 6 दिन भी अच्छे से करोगे ना तो लाइफ बन जाएगी आगे चल के। मुझे ऑप्शन में जितने भी लॉसेस हुए भाई, ऑप्शन में आओगे ना पता चल जाएगी, एक से एक लोग हैं, जितनी भी लॉसेस हुए ना मुझे एक परसेंट का भी अफसोस नहीं, क्योंकि वो मेरे हार्ड एंड अर्निंग मनी नहीं थी, मैंने ऐसे ही साइड से पैसे लगाए थे, मेरे 3,000 के लॉस है टोटल 1 साल के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग में, बहुत सारे पैसे ऑप्शन से बनाए, जो लॉसेस मैंने की ना वो सीखने के चक्कर में लॉस किए। 1.5 साल से लगातार ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, 3,000 तो क्या उसकी दुनिया उजड़ जाती 1 साल के अंदर अगर वो नहीं सीख पाया था। तो ये समझ लीजिए हम लोग सीखे हुए हैं, बस क्या है इंसानी फितरत की वजह से मुझे लॉस हो जाते हैं, इसी थोड़ी सी इंसानी फितरत से मैं रोबोट बनना पड़ेगा, अपने आप कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल करने के बाद ऐसे पैसे बनते हैं भाई कि पूछना मत। बस ये है कि प्रैक्टिस होनी चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग, अभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों को, आप लोग क्या सीधे इन्वेस्टमेंट, कुछ भी होता है तो इन्वेस्टमेंट से होता है, ट्रेडिंग व्रेडिंग तो एक इंसानी फितरत है, उसको आग उस आग को बुझाने की एक जगह। हाँ तो दोस्तों मैं अभी आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि अभी आपको कम से कम 1 साल इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है, छोटे छोटे शेयर खरीदने और इंडेक्स निफ्टी 50 के शेयर खरीद लें, ये सब आपको अपना ध्यान से ले लेना है, बेवजह के ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल नहीं आना है। अभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग को धीरे धीरे करके आप देख सकते हो कि कैसे क्या करना है, बहुत सारी कंटेंट भी यूट्यूब पे मैं भी डालता रहता हूँ, और ये सब देख लेना, कभी किसी को पैसे वैसे दे के ऑप्शन के आप किसी चीज़ को सीखने के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट है ही ऐसी चीज़ जहाँ पे आप एक्सपीरियंस करके ही सीख सकते हो, कोई भी चीज़ है उसमें बिना एक्सपीरियंस के आप कुछ नहीं कर सकते होंगे। तो मैंने आपको बेसिक से बताया कि कैसे आप छोटे से कैपिटल को आप बड़ा कैपिटल बना सकते हो, सबसे सही तरीका ये, छोटा कैपिटल लगाओगे आप धीरे धीरे क्या नाम है स्टॉक मार्केट के बारे में सीखते जाओगे, सबसे आसान तरीका यही है स्टॉक मार्केट को जानने का, शॉर्टकट कोई नहीं है कि आप एंट्री मारो सर ने सिखा दिया ये सिखा दिया, वो सब बिल्कुल बकवास चीज़ है, कुछ नहीं, आपको टाइम लेना पड़ेगा, चाहे वो जो भी है जिसमें भी है, स्लोली स्लोली पैसे बनाओगे ज़्यादा बेटर रहेगा, एकदम से कुछ नहीं करना। और मैंने जो क्रेडिट कार्ड से कैसे पैसे बनाए जाते हैं इसका जो भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगा, वो वीडियो देखना, बहुत ही छोटे ट्रेडर्स के लिए और जो छोटे छोटे लोग रहते हैं उनको पैसा बनाने के लिए कि कैसे हम उससे पैसे बना सकते हैं, उसका
मैंने डिटेल में थोड़ा सा डिटेल में दिया है, आप लोग कमेंट तो कर जिस टॉपिक पे, मैं उस टॉपिक पे बढ़िया वीडियो बना के दूँगा। जय हिंद जय भारत। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो हम ऑप्शन चयन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।